वेलकम बच्चों। सो हमारे पास चल रहा है हमारे सुपर पोजिशन ऑफ वेव, ये फेनोमेना। इस फेनोमेना में हमने बहुत सारी अलग अलग घटना है यानी फेनोमेनाज देखे हैं, सब फेनोमेना जिसमें स्टेशनरी वेव्स है, बीट्स है, रिफ्लेक्शन है ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम द रेयर फ्रॉम द डेंसर मीडियम। उसके बाद में सोनोमीटर का भी हमने देख लिया, और उसके बाद में हार्मोनिक्स क्या थे और ओवरटोन क्या बनते थे ये भी हमने देख लिया, ठीक है। सो अब सिंपल सा बच्चों हम क्या करने वाले हैं, आज से चालू करते इसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स जिसमें से हमारे पास में ये प्रॉब्लम आपके साथ में है। हम दो तीन दिन इसको प्रॉब्लम में लेते हैं ताकि ये चैप्टर थोड़ा रिवाइज भी हो जाए फार्मूले वाइज, ठीक है। सो चलो देखते हैं हमारे पास क्या है। उसने कहा द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई इज इक्वल टू दिस इक्वेशन इज देयर इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब आपको मालूम है एमकेस को ही हम एसआई कहते हैं, ठीक है। फिर कहा क्या है, फाइन वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, यानी आपको वेवलेंथ निकालनी है, फ्रिक्वेंसी निकालनी है, उसके बाद में आपको एम्पलीट्यूड भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया ना बच्चों उस इक्वेशन को लिख लेते, तो चलो क्या बोलेंगे हम, देखो जो दिया उसको पढ़ लेते। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट रहता, यानी यहाँ पर आप सिंपल लिख सकते हो गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, गिवन इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, ठीक है। असल में प्रोग्रेसिव वेव भी है क्योंकि ये ऐसा हमको प्रोग्रेसिव वेव में ही मिला था, ठीक है। सो क्या है बताओ, सो वाई इज इक्वल टू 0.2 साइन 4 पाए, फिर यहाँ पर है हमारे पास टी अपॉन 0.08 माइनस एक्स अपॉन 08, ठीक है। बच्चों आज थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो रही है, कोई बात नहीं है, तो आप बराबर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, अपने आप गर्मी और रिमी भी हट जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर है हमारे पास y इक्वल टू 0.2 साइन 4 पाई एंड दिस, लेकिन आपको मैं सबसे पहले बच्चों बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो हमारा SHP वेव का इक्वेशन है, इस SHP वेव के इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश करता ना, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता कि हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, या तो ऐसा या फिर ये जो वन अपॉन टी होता ना आप इसको ही ईएन बोल सकते हो, ठीक है। तो एनटी भी चलता है, टी बाय कैपिटल टी भी चलता है, तो इसको, लेकिन मुझे जो दिख रहा है वो देखो ना आप, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2π है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, सॉरी 4π है, और होना क्या चाहिए हमारे पास में 2π। तो एक काम करते हैं कि यहाँ से 2 निकालते और अंदर में डाल देते, यानी क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 0.2 साइन, मैं लिखता हूँ यहाँ पे देखो 2π, अच्छा 2π इनटू 2π होता ना, तो ये 2π रहने देते और इस 2 को अंदर भेज देते, तो अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, ये 2t अपॉन 0.08 माइनस ये 2x अपॉन 0.8, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो 0.2 ये बन जाएगा साइन 2π। अच्छा ये देखो अब ये t 2 से डिवाइड करो, सो ये 0, ये 0 और 4 2 से डिवाइड करने के बाद माइनस, ये 2 से डिवाइड करो इसको तो क्या बनेगा 0.4। अब बच्चों ये आ गया हमारे इस फॉर्म में, तो अब हम क्या करते कंपेयर करते, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम कंपेयरिंग विथ, क्या बोलेंगे हम कंपेयरिंग विथ, क्या है y इज इक्वल टू a साइन, ये है 2π ब्रैकेट में टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। या तो आप ऐसा ले सकते हैं, मैं तो कह रहा हूँ आपको, आप ये ऐसा ना लेकर एनटी भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। अगर आपको वैसा लेना है तो वैसा ले लीजिए, वैसे भी उसने पूछा क्या वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, एक काम करते इसको मैं बदल देता हूँ, ठीक है, या फिर रहने दे बाद में बदल देंगे। तो आप कंपेयर करो तो a इज इक्वल टू क्या होगा 0.2, अब टी के जगह पे क्या आ गया 0.04 और लैम्डा के जगह पे आ गया 0.4। अब मुझे पहले क्या चाहिए वेवलेंथ, तो a पहला क्या है हमारे पास a वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हम वेवलेंथ, तो वेवलेंथ हम किससे बताते लैम्डा से, तो लैम्डा के जगह पे कौन आ गया 0.4, यानी यहाँ पर होगा 0.4 मीटर। अब मैंने मीटर इसलिए लिखा क्योंकि उसने खुद कहा है कि पूरा का पूरा ऐसा यूनिट में, ठीक है। चलो दूसरा क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी अब देखो मैंने इसको यन के फॉर्म में तो लिखा नहीं, अच्छा टी के फॉर्म में तो लिखा ना, तो टी मिलेगा ना मुझे, तो ये टी बन जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हेडिंग डाल देता मैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी। तो पहले टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ, टी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 0.04 है, अच्छा ये तो हमारा पीरियड हो गया, ठीक है, सेकेंड्स में, लेकिन हमको तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, हम सबको मालूम है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यन इज इक्वल टू 1/t यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो चलो वैल्यू रखो, सो 1/t, टी की वैल्यू क्या मिल चुकी है 0.04, इसको एडजस्ट करो, नीचे दो घर के बाद पॉइंट है, उधर ऊपर दो जीरो होंगे, नीचे में 4, इसलिए फाइनली यन इज इक्वल टू कट करेंगे तो 25 हर्ट्स, दिस इज योर
फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव एंड नाउ सी सी क्या पूछा है एम्पलीट्यूड. तो यहाँ पर ले लो आप एम्पलीट्यूड. तो आपको मालूम है यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है तो एम्पलीट्यूड हम ये ए है तो ए के जगह पे कौन आया है 0.2. सो ए इज इक्वल टू 0.2 मीटर. यानी इस प्रकार से हमारा फ्रिक्वेंसी हमारे वेवलेंथ हमारा एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या हो जाता है मिल जाता है. ठीक है बच्चों तो इस प्रकार से करना है. ठीक है तो इस प्रकार से हमको प्रॉब्लम दिए जाते हैं. प्रॉब्लम में से देखो कभी भी कोई भी चीज़ कोई भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है स्पेशली आप फिजिक्स में जाओ या फिर अगर आप बात करेंगे हमारे ज्योमेट्री के ठीक है 10th क्लास तक हमारे मैथमेटिक्स में जाओ कहीं पे भी जाओ अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम में जो भी हमारे पास पैरामीटर्स है वेरिएबल्स है मतलब जो जो दिया वो आप पहले लिख लो. यानी गिवन मटेरियल पहले लिखो उसके बाद में क्या होता है कि जो आपको पूछा गया यानी क्वेश्चन वो आप टैली करो कि क्वेश्चन क्या है और दिया क्या है और इनको कनेक्ट करने वाला कोई फार्मूला कोई मेथड कोई एक आधा डिस्क्रिप्शन कोई भी चीज़ जो भी होगा जो आपके दिमाग में होगा वो कनेक्शन अगर मिल गया वो कनेक्टिव अगर आपको मिल गया तो बस वो प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. और फिर उसके बाद में जो प्रॉब्लम आता है वो आता है कैलकुलेशन का पार्ट. अगर आपका कैलकुलेशन सही हो जाता है तो ओके. अगर मान लीजिए कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होते हैं तो डरने की बात नहीं है उसके लिए हमारे पास लॉग टेबल है. लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाइड हो जाते हैं. तो बच्चों इस बात को आप ध्यान में रखो और आई होप कि आप इसके बाद में भी करेंगे और हम भी इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं. ठीक है बच्चों तो हम देखते हैं इसके बाद में और कुछ क्वेश्चंस.